अयोध्या में चल रहे कार्यों को कई लोगों ने खास तौर पर देखा है। हम सभी अयोध्या पे होने वाली गतिविधियों को अच्छे से ध्यान में रखते हैं, लेकिन अयोध्या में चल रहे एक खास तौर के मिशन की आज हम बात करेंगे। जी हाँ, नगर निगम ने ठंड से बचाने के लिए गायों को कोट पहनाने की तैयारी की है। उन्होंने कहा है कि हम गायों का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे और इस बार ठंड से गायें नहीं मरेंगी। उन्हें बचाने के लिए हम कुछ कोट बना के उन्हें पहनाएंगे, जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं। नगर निगम ने साधु संतों और अन्य लोगों के विचार विमर्श बाद गायों को ठंड से बचाने की दिशा में ये निर्णय लिया है। इसे लेके कई जगहों पे सोशल मीडिया ने कई तरह के रिएक्शन आए हैं, जिसमें कुछ लोगों ने इसे बेबुनियाद और बेतुका बताया है तो कहीं लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। लेकिन इसी को लेके प्रकाश राज, जो कि साउथ के एक बहुत ही अच्छे अभिनेता है, उन्होंने भी इस बात को लेके सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है। उन्होंने साफ साफ ये पूछा है कि बेघर इंसानों और स्कूल के साथ साथ नौकरियों का क्या होगा। हम गायों का तो ख्याल रख रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस देश में इंसानों की समस्याएं इतनी बड़ी हैं, वहां पे जानवरों पे इतना ज्यादा ध्यान देना कैसे हो सकता है। लोग इंसान को छोड़ के गायों पे अगर इतना ज्यादा ध्यान दे देंगे तो देश में एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें इंसानों को रेस्क्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी समस्या बेघर लोगों की है। नौकरी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप उन गायों को ठंड से मरने दें, लेकिन उनके साथ साथ बाकी जो बचे लोग हैं, जो नौकरियों से बेहाल और बेघर बेसहारा लोग हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, उन पे भी पूरा पूरा ध्यान दिया जाए। आप ये राजनीतिक तौर जो दिख रहा है उसे पीछे रख के सामाजिक कामों में भी अपना योगदान दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।